हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको 2023 में आने वाले मैथ के 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर याद कर लेना और इस वीडियो को अपने खास दोस्तों के पास शेयर करना। सब किसी के पास नहीं, केवल खास जो आपके दोस्त होंगे उन्हीं के पास आप लोग शेयर करना और चुपके से सब लोग देख लो। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा 2023 में, एकदम अच्छे से याद करना और अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप लोग भी समझना, अगर वैसे भी ना हो तो कॉपी पर लिख कर समझना, लेकिन अच्छे से समझ लेना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग, आपका बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और सारे विषय का जो भी बचा हुआ है सबका मिल जाए, ठीक है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर, यहीं से शुरुआत होगा आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिए दो परिमेय और परिमेय, यानी कि इसमें अपरिमेय नहीं दिया है। जब इसमें अपरिमेय का नाम निशान नहीं है तो आप लोग किस पर टिक लगाइएगा बच्चे लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? अनंत होगा। याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप लोग टिक लगाना अनंत। अनंत यानी कि इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बिंदु 2.3 एवं 4.1 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इसमें जो तेज तरह लड़के होंगे ना वो मतलब कि दिमाग में ही इसका सोल्यूशन निकाल कर आंसर बता देंगे, लेकिन कमजोर छात्र क्या करेंगे, पहले इसका सूत्र लिखेंगे फिर उस पर बैठाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, ये जो 2 में से 4 घटाइए, 2 में से 4 घटाइएगा और उसका स्क्वायर करिएगा, तो 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 मिलेगा, फिर प्लस 3 में से 1 घटाइएगा 2 मिलेगा, फिर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 मिलेगा। इसको रूट में कर दीजिए, अब इसको ऐड करिएगा तो √8 मिलेगा और √8 का आप लोग वर्गमूल तोड़ दीजिएगा तो 2√2 मिल जाएगा। तो अब अच्छे से देखिए 2√2 इसमें दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन तो सबको याद होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 होता है, जैसे कि कोई अक्ष हो गया, यहाँ पर कोई अक्ष हो गया और यहाँ पर कोई ओ बिंदु है, तो इसी का आपको निर्देशांक याद करना है। तो इसका निर्देशांक ऑलरेडी 0.0 होता है, किधर से भी शुरुआत होगा इसका, जो मतलब जिस भी अक्ष से शुरुआत होगा वहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर मूल बिंदु क्या है, 0 है, 0.0। आप लोग टिक लगाना है 0.0, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं x.0 पर भी टिक लगाते थे, उन लोगों को लगता है कि x अक्ष का निर्देशांक पूछा है, नहीं, x अक्ष का निर्देशांक x.0 होता है, लेकिन मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0.0 होता है। इसमें भी कई लड़के मतलब कि गलती टिक लगा देते हैं, पता है मेरे को, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गलती मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, दो अक्षों के क्या कह रहा है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, निर्देशांक, क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन उसी से संबंधित है, बिंदु -4.-8। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्या करें, मजबूरी है, आप लोगों को बताना पड़ेगा और ऐसे ही यही सब आएगा, ठीक है। बिंदु -4.-8 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए -4.4 ऑलरेडी एक चतुर्थांश आपको बताया था ना, एक चतुर्थांश ऐसे करके, ये पहला घर होगा प्लस प्लस होगा, ये दूसरा घर है तो माइनस प्लस होगा, ये तीसरा घर है तो आपका क्या होगा, माइनस माइनस होगा, ये चौथा घर है तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, तो इसमें तो दोनों में माइनस दिया है, -, ये तो ऑलरेडी तीसरा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन 30 नंबर, दो बिंदुओं के निर्देशांक -1.3 तथा 2.-1 है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए मतलब कि दो बिंदु दे, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो वही काम करिए, -1 में से -2 घटाइए उसका स्क्वायर करिए तो 9 मिल जाएगा, और 3 में से -1 घटाइए उसका स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, 4 चौके 16 मिल जाएगा। इसको रूट करिएगा और 8 करके रूट उससे बाहर निकालिएगा तो
25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आराम से हम 5 निकाल सकते हैं और 5 दिया भी है आपके ऑप्शन में बी नंबर में, तो आराम से हम टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और बात बता देते हैं, जो बच्चा इस चैनल पर नए आए हैं ना और पहली बार क्लास कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करके कमेंट ज़रूर करना, सर ऐसे ही और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर या 2 नंबर या बता दीजिए, नहीं तो इसके अलावा और किस विषय का आप लोग लेना चाहते हो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तभी मैं आपको दे पाऊँगा। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो एग्ज़ाम तक हर विषय में हेल्प करेंगे, जो भी लीक वगैरह पेपर होता है सबके बारे में आप लोगों को हेल्प करेंगे, बट आप लोग अच्छे से मतलब कि सब लोग पढ़ो अभी, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि रूट थ्री कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आसान है बट जो मतलब कि अच्छे पढ़ने में नहीं है मैथ में, मैथ उनका कमज़ोर है, उसको तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जो बच्चा मैथ अच्छे से समझता है उसके लिए बहुत ही हल्का है, ठीक है, ये इसका आंसर बताना कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है, रूट थ्री कोसेक थीटा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा बाहर निकालेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा देखिए, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3, तो 2/√3 कोसेक कितना का मान होता है, अगर आपको कोसेक में मान नहीं याद होगा तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा उल्टा हो गया, ठीक, वैसे ही आप इसका भी उल्टा कर दीजिए, √3/2, और √3/2 आपको पता है साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन 60, तो साइन साइन कटेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या मिलेगा, 60 डिग्री, और वहाँ से भी नहीं होगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो 2/√3 कितना मान होता है, तो कोसेक 60 का मान होता है, तो कोसेक 60 यहाँ पर भी रख सकते हैं, और कोसेक कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 मिल जाएगा, यहाँ से भी मान निकल जाएगा, बट इसलिए मैं आपको दो तरीका बताया ताकि अगर आप लोगों को एक तरीका वाला फॉर्मूला याद ना हो तो दूसरा का वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, 1+10² a / cosec² a बराबर होता है, देखिए ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि जब भी ऊपर में 10² दिखे तो आप लोग 10² पर भी टिक लगा देना, लेकिन वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे ताकि सब लोग अच्छे से समझ सके। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, sec² a - tan² a इज इक्वल टू 1 बताए थे, तो यहाँ पर से आप sec² का मान निकालिएगा, sec² a, तो क्या बचेगा, 1+10² बचेगा ना, 1+10² a, तो 1+10² की जगह पर हम sec² a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिख देते हैं, sec² a लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे क्या है आपका cosec² a है, और आपको पता है कि sec क्या होता है, sec का उल्टा क्या, तो 1/cos, तो 1/cos² θ हो जाएगा, cos² a हो जाएगा, और cosec² का उल्टा क्या होता है, 1/sin² a, ठीक है, क्या होता है, 1/sin² a, तो अब साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए और cos को नीचे ले जाइए, तो क्या बचेगा, sin² / cos² a, ठीक है, तो sin / cos क्या होता है, 10 होता है, तो स्क्वायर है तो 10² हो जाएगा a, तो उतना में तो ज़्यादा आप 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जितना देर में सॉल्व करके बनाएंगे, बट ऐसे अच्छा तरीका है कि ऊपर अगर 10² है तो आप लोग 10² पर भी टिक लगाइए, अगर ऊपर 1+cot² दिया होता है, 1+cot² θ, तो नीचे पक्का sec² होता, तो इस स्थिति में आप क्या टिक लगाएंगे, ऊपर कॉट है तो कॉट स्क्वायर पर टिक लगाएंगे, गलती नहीं होगा, बनाकर देख लेना वही आंसर मिलेगा, ठीक है, तो मैं आप दो तरीका बता दिया, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, अगर डाउट है तो फिर भी कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में सर हमको डाउट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा, तो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है, तो यहाँ से हम cos θ का मान बाहर निकालेंगे, तो 1/√2 मिलेगा, और 1/√2 cos कितना का मान होता है, cos 45 का होता है, तो cos से cos कट जाएगा तो θ = 45 मिल जाएगा, यानी θ = 45 यानी कि 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तो हो जाएगा 45 डिग्री, अगर इस फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, sin² 18° + sin² 72° का मान क्या होगा, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताए होंगे हम आप लोगों को, sin² θ + cos² θ
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन है, थीटा दोनों का सेम है और साइन और कॉस में केवल अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए साइन साइन और साइन दोनों में है, ये तो अलग अलग है और थीटा भी यहाँ पर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को लेते हैं, साइन 18 डिग्री या फिर साइन 72 डिग्री, किसी एक को भी लो और चेंज कर दो। तो किस में चेंज होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, और 90 में से 18 घटाइएगा तो फिर साइन 72 आपका मिल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस कॉस, तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 18 है तो 18 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम है, साइन और कॉस भी अलग अलग है, तो इसका मान 1 मिल जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले से अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा समय तक समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर 1 टिक लगाने वाला है, बट इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर जो भी प्रश्न आएगा उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ में ना क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा छात्रों का नंबर कम आ जाता है, बहुत ज़्यादा छात्रों का ना मैथ कमज़ोर होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ, जिस बच्चे का मैथ कमज़ोर होगा वो ना इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक ज़रूर देखना, भले ही वो समझे या फिर ना समझे, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, एक दिन में कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए अगर कहीं नए कोचिंग में या फिर कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ का आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं समझ पाओगे, मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर जाओगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, तो आपको आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो आप डेली 10 दिन कम से कम या फिर 1 महीना या फिर 2 महीना क्लास करिएगा, तब जाकर वहाँ की पढ़ाई आपको समझ में आएगी, ठीक वैसे ही है। अगर आपको मैथ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है या फिर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से 5 दिन 6 दिन 10 दिन लगातार देखिए, आपका इतना ज़बरदस्त मैथ हो जाएगा ना कि आप बिलीव नहीं करिएगा कि मेरा मैथ इतना मजबूत कैसे हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री बराबर है। तो मैंने आपको बोला था ना साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो देखिए तो साइन 60 का मान और कोई है जो √3/2 होता है इसमें। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का हमको लगता है, हाँ कॉस 30 का मान √3/2 होता है, बिल्कुल होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, ऑलरेडी हम यहीं पर क्वेश्चन आंसर पकड़ लिए। तो देखिए आपका क्या होगा, साइन 60 डिग्री जो होता है ना, साइन 60 डिग्री यह बराबर होता है कॉस 30 डिग्री का। कैसे बराबर होता है, क्योंकि साइन 60 का भी मान √3/2 होता है और कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। अब कॉस 45 का देखिएगा तो 1/√2 मिलेगा, कॉस 60 का देखिएगा तो 1/2 मिलेगा, टैन 30 का देखिएगा तो 1/√3 मिलेगा। ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये वाला आपका मैच करेगा, ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या दिया, 3/4, 3/4 का मतलब साइन का वैल्यू होता है P/H, तो पी और एच का मान दिया और बी का मान नहीं दिया, तो बी का मान निकालिएगा तो 5 मिलेगा, नहीं 5 नहीं मिलेगा, √7 मिलेगा, क्या मिलेगा, √7 मिलेगा, निकाल कर देख लीजिएगा क्या मिलेगा, √7 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 16 3 9 यानी कि 7 मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, जब b का मान √7 मिल गया तो क्या रहा है, cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है, तो b का मान ऑलरेडी हम √7 निकाले हैं और h का मान ऑलरेडी पहले से पता है 4 होता है, तो √7/4 हमारा फाइनल cos a बराबर हो जाएगा, √7/4 यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी लोग हमारे इस वीडियो को, जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जैसे आप लोगों को नया समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे बोलिएगा, शर्मिंदा मत होइएगा, आप हमसे बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कह रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से छोटा के लिए कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉस थीटा ना, तो एक कॉस थीटा रहने दीजिए। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा रहने दीजिए, और साइन 90 माइनस क्या होता है,
साइन नवे माइनस कॉस होता है, क्या होता है कॉस होता है। तो देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस है ये तो कट जाएगा, तो क्या फाइनल में जीरो आपका आंसर मिलेगा। तो फाइनल में जीरो आंसर कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा लोग फाइनल में जीरो आंसर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, जीरो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है जीरो आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 38 नंबर आप लोगों का, 200 मीटर की दूरी पर। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्योंकि ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, ये ऑलरेडी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे ऑब्जेक्टिव में साला डाल दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसे एक दो क्वेश्चन डाल देता है ऑब्जेक्टिव में ताकि आप लोग फंसो, इसलिए आपको जो भारी क्वेश्चन लगे और अगर आपको आपसे सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा समय उसमें लग जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद करिएगा तो आपका ही समय लॉस चला जाएगा। बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है। कह रहा है कि 200 मीटर दूरी पर एक ही तरफ दो जहाजों का अवनमन कोण, ठीक है, एक ही तरफ दो जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के सिर से 45 डिग्री से 30 डिग्री है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। देखिए कह रहा है कि कितना की दूरी पर, कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी एक ही तरफ, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तरफ दो है, ठीक है। तो जैसे लग नज़दीक आता जाएगा उसका कोण क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री होगा और यहाँ पर आपका 45 डिग्री होगा। अब ये पूरा दूरी जो दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये ए बी का जितना भी दूरी है वो आपका 200 मीटर है, क्या है 200 मीटर आपका दूरी है। तो आपको क्या करना है, लाइट हाउस की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई याद करना है। तो सबसे पहले ये जो ए बी का मान दिया है और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ए डी और डी बी का मान निकालना होगा, उसके बाद से आपको ये वाला मान निकलेगा। तो इसको आप अच्छे से कॉपी पर बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं फिगर बना दिया, आप अच्छे से समझ लेना, एक बार और अच्छे से फिगर बना देता हूँ आप लोग ताकि बना सको। जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, तो ये पूरा आपकी लंबाई 200 मीटर है, कितना है 200 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये आपका 45 यानी कि 45 डिग्री हो गया। तो इसको एक्स मान लो, एक्स मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये आपका सी बिंदु हो जाएगा और यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको जो भी मान लीजिए एच पी क्यू कुछ भी आप बिंदु इसको मानकर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज ए सी, यहाँ पर डी है ना, ए सी डी लीजिएगा, फिर त्रिभुज ए सी बी लीजिएगा और दोनों को बनाइएगा, तुलना करिएगा, ऑलरेडी ये वाला मान मिल जाएगा, ठीक है, उतना स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किसी टावर के पास से। अब बताइए पहले टावर क्या होता है, सीधा होता है ना, किसी कोई टावर सीधा होता है, तो सबसे पहले एक टावर ले लेंगे सीधा। अब उसके पाद से, ये पाद उसका ये है नीचे वाला, तो पाद से 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर की दूरी एक ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे फिगर बनाते चलिए, फिगर आपको बन जाएगा। मैंने इसमें फिगर, अगर फिगर बनाना सीख जाएंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो कह रहा है कि टावर, तो एक टावर सीधा ले लेंगे और पाद बिंदु नीचे वाला, तो नीचे वाले से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, इस बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस टावर का जो शीर्ष है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है बच्चा लोग 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई गत के ये तो आपको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये आपका ये तो आपको तो आराम से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए ये पी का काम करेगा, ये पी का काम करेगा, ये नीचे वाला बी का काम करेगा, तो टैन का प्रयोग करेंगे और टैन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और अब इज इक्वल टू क्या होगा पी, तो पी का मान पी ऑलरेडी निकालना है और एच का मान हमको मिल गया 20 और टैन 30 का मान क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू पी बटे 20। तो आप क्या करिएगा, पी का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा, पी का मान निकाल लीजिए, देखिए तो क्या मिलेगा बच्चे लोग, पी का मान सब लोग निकालिए जिसको आता है तो निकालिए, तो देखिए पी बराबर निकालिएगा तो हमको लगता है कि पी बराबर 20/√3 मिलेगा और रूट तीन का मान रख कर भाग दीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि 11.53 मीटर के आसपास मिलेगा, देख लेना इसका आंसर यही मिलेगा, ठीक है। तो मैं उतना तो आपको बता ही दिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन उसी में से है, यही दो तीन क्वेश्चन है जो लंबा है इसमें दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, साथ में पढ़ते चलना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी खड़ी छड़, तो क्या करें, खड़ी छड़ यानी कि सीधा एक छड़ है एवं उसकी छाया, मान लेते कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसका छाया कहाँ बनेगा, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका छाया नीचे ही ना बनेगा, ठीक। वैसे ही एक खड़ी छड़ है और उसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है क्या है 1/√3। तो क्या आ रहा है, देखिए कह रहा है किस छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई, तो छड़ ये हो गया, छाया की लंबाई ये हो गया, यानी कि इतना अनुपात है, तो उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपका उन्नयन कोण बताना है, थीटा का वैल्यू, तो ये पी और ये बी, तो टैन थीटा का प्रयोग करेंगे, टैन थीटा बराबर पी बट बी यानी कि 1/√3 और 1/√3 टैन 30 का मान होता है, कितना होता है टैन 30 का होता है,
तो टेन आपका 30 हो जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या मिल जाएगा आपका 30 डिग्री मिल जाएगा। यह वाला सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लेते किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ऐसे एक मतलब कि अंडरलाइन खींचेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है कि पुराने, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वही होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पुराना वाला तो वही होगा, नए में चेंजिंग किया गया, नए में क्या चेंजिंग किया गया वो हम आपको बता दें, पाई और क्या होगा आर। तो आर को नए वाले में चेंजिंग कर दिया गया, टू आर कर दिया गया, त्रिज्या को टू आर कर दिया गया, तो टू आर का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपन पाई फोर आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर कटेगा, तो क्या बचेगा, वन बाई फोर बचेगा। तो वन अनुपात फोर, देखिए तो कहीं दिख रहा है वन अनुपात फोर, तो वन अनुपात फोर दिखेगा तो आप वन अनुपात फोर पर भी टिक लगाइएगा, मतलब कि आपका 100% यही आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, 44 मीटर परिधि वाले, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 दिया है, ठीक है। और त्रिज्या का मान निकाले तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 22 बार में, और पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, तो फिर 22 से 22 कटेगा तो आर बराबर डायरेक्ट आंसर 7 मिल जाएगा, तो कोई तो दिक्कत तो इसमें नहीं है, तो क्या मिल जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आसान है, कह रहे वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का आता है कि बराबर है क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो आर बराबर इनकी त्रिज्या का मान क्या होगा, आर बराबर 2, यानी कि आर इज इक्वल टू 2, तो 2 इकाई मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। ये भी तो भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 3πr² ऑलरेडी। देखिए ये आपका एक अर्धगोला हो गया, ठीक है, सॉरी मान कटोरा टाइप का, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका एक अर्धगोला हो गया, ठीक है, ये आपका एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का तो क्षेत्रफल पाई आर टू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये जो ये गोलाकार है ये वृत्त के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल तो इसमें ऐड होना चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसा जुड़िएगा तो 3πr² मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है, तो इसलिए आप याद रखिएगा 3πr², ठीक है, एकदम 100% आंसर श्योर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो ये तो आसान है, सबको टिक लगा सकते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य, प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य, तो माध्य निकालना तो सबको आता है प्रथम तीन, तो तीन सम संख्या क्या आता है, जैसे मान लो 2 सम संख्या हो गया, 4 सम संख्या हो गया, 6 हो गया, तो इन सबको जोड़कर कितना है, 1, 2, 3, 3 से भाग दे दो तो जोड़ो, तो 2 और 4 6, 6, 6, 12, तो 12 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है 4, तो 4 तो आपका सही आंसर होगा, गलती तो नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक मैंने आपको बताया था ना कि देखना कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार इसमें दिखाई देगा, तो 2 सबसे ज़्यादा बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2-3 बार नज़र आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या इसमें क्या है, 2, तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका 2 ही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए एक सिक्का मतलब एक ही सिक्का होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक सिक्के को उछालते हैं हेड टेल के लिए, यानी कि कौन टॉस जीतेगा, जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, ठीक, वैसे एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो टोटल परिणाम हमको लगता है कि 2 मिलेगा, और कोई एक ही बंदा मांगेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 48 का आंसर ए नंबर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, 48 नंबर से भी आसान है, सिक्के वाले से भी आसान है, बट अच्छे से समझना। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती, तो चौका न मारने की प्रायिकता क्या है? 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है तो चौका न मारने की प्रायिकता क्या है? इस क्वेश्चन में काफ़ी लड़के कन्फ्यूज हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। कह रहा है देखिए गेंद न मारने की प्रायिकता, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना कुल गेंद कितना है, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को वन में से आप कितना घटाइएगा, 6/6 यानी कि 1/5 घटाइएगा तो 4/5 मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी संख्या होता है जैसे कि जीतने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, और न जीतने की प्रायिकता क्या होता है, मतलब जैसे मान लेते हैं ऐसे बोलते हैं ना, अगर पी का वैल्यू दिया है, पी इज इक्वल टू 2 दिया है, तो पी डैश का मान कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे करिएगा PE डैश इज इक्वल टू 1-2 कर दीजिएगा तो उसका मान निकल जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर भी लागू करेंगे, 1 में से आप 6/30 घटा दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 1-1/5 मिल जाएगा, इसको आप बनाइएगा ना तो 4/5 मिल जाएगा, ये ए नंबर वाला काम करेगा, ठीक है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता क्या है, देखिए एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता, ये भी वही है, ठीक है, इसका भी आंसर 1/2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करके पूछा है 48 और 50 नंबर क्वेश्चन, बट इसका आंसर 1/2 ही होगा, सब लोग याद करना क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया उतना याद रखिए, ज़्यादा प्रश्न हो गया, इसके बाद वाला वीडियो ना, इसके बाद भी और 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया और आपको अच्छे से समझाया भी, इसलिए ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जस्ट इसके बाद अगला वाला वीडियो वही दूंगा, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब पहले कमेंट करिए तो कितने से विद्यार्थी हैं जो इसके बाद वाला वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, ठीक है, तो कौन कौन स्टूडेंट है जो देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट करिएगा तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर लाऊँगा, और ज़रूर लाऊँगा मतलब कि आप मैथ में एकदम अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है।